हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये हम लोग मायके गए थे, उसका नेक्स्ट डे है। तो सुबह सुबह जल्दी उठकर हम लोग आ गए थे हनुमान मंदिर, और सुबह 6 बजे घर से निकल गए थे। तो वहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने का मौका ही नहीं मिला। सुबह था बहुत ज़्यादा, जल्दी जल्दी में हम लोग आ चुके हैं और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। तो पहुँचने के बाद फिर मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है, तो चलो वीडियो में बने रहिए। तो आज है ना हनुमान जयंती है, तो अभी हम लोग आए हैं हमारे गांव के हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए। गिरजाभवन मंदिर है ये, तो यहीं आए हैं दर्शन करने के लिए। और चाची दादा भी साथ में आए हैं, तो यहाँ पे हम लोग सब ले रहे हैं फूल। प्रसाद वगैरह तो पहले ले लिए थे, तो यहाँ पे फूल माला मिल रहा था, तो यहाँ पे फूल और माला मिल ले रहे थे। और यहाँ पे देखो चाची चाचा सब लोग हैं, तो चलो चलते हैं। तो ना अभी ये मंदिर बन रहा है, पहले पुराना था तो अभी बहुत दिनों से बन रहा है, बहुत दिन हो गया इसे बनते हुए, बहुत दिन ही। तो यहाँ पे हम लोग अपना चप्पल वगैरह निकाल देते हैं, उसके बाद फिर अंदर जाएंगे। और बहुत ही मतलब अभी जो बन रहा है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब पूरा बन जाएगा तो और भी बहुत ही सुंदर दिखेगा ये मंदिर। तो पहले तो हम लोग बहुत आते थे यहाँ पर, बट अब उतना ज़्यादा नहीं जा पाते हैं। और अब हम अंदर पहुंच चुके हैं। इस टाइम पे हमने हनुमान जी का पूजा कर लिया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था तो वहाँ का रिकॉर्ड नहीं किए, और यहाँ पे ना रिकॉर्ड करने के लिए मना भी नहीं किए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे भगवान जी का भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो ये राम जी है सामने हनुमान जी के, और इधर हनुमान जी है अंदर में। तो वहाँ पे भीड़ तो है, और सुबह सुबह है लेकिन ना उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो जैसे जैसे टाइम होगा, तो आज हनुमान जयंती है ना, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगा। तो हम लोग सुबह सुबह ही पहुँच चुके हैं, तो अच्छे से हमारा दर्शन हो चुका था। तो वहाँ पे हवन कुंड के साथ भी पूजा वगैरह कर लिए हैं। फिर इधर शिवलिंग है और शनिदेव महाराज है, तो अभी उनका भी दर्शन करने जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे शिवलिंग, यहाँ पे शंकर जी का शिवलिंग है, तो वहाँ दर्शन कर लें। उसके बाद फिर यहाँ पे शनिदेव महाराज का दर्शन करेंगे। तो चलो बने रहिए वीडियो। यहाँ पे हम लोग सब लोग पूजा वगैरह कर लिए थे, तेल वगैरह लाए थे, तो शनिदेव में चढ़ा ली है। उसके बाद यहाँ पे सब लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। इसके बाद ना अंजनी माता का मंदिर है, हनुमान जी और अंजनी माता का, तो अभी वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये अंजनी माता और हनुमान जी का मंदिर है, तो यहाँ भी आए हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर हम सब लोगों ने फोटो क्लिक करवाया है, जो मैं यहाँ पे आगे लगा दी हूँ, तो आप लोग फ़ोटो भी देख लीजिएगा। तो फ़ोटो भी यहाँ पे सेव हो जाएगा, इसलिए मैंने वीडियो में फ़ोटो भी ऐड कर दिया है। तो इसके बाद फिर हम अभी फिर से मंदिर अंदर जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। और यहाँ ये देखो, यहाँ भी एक भगवान है हनुमान जी का, यहाँ पर भी मूर्ति है, ये बाहर का है। और अभी ये देखो मंदिर बना नहीं है, छबाई वगैरह नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर भी हमने फ़ोटो क्लिक करवाया था मंदिर से बाहर निकलने के बाद। ये देखो पूरा मंदिर बाहर का सीन है मंदिर का, पूरा अभी पूरा बना नहीं है। अब यहाँ से हम चलते हैं अपने घर, तो चलो चलते हैं अब सीधा हम लोग अपने घर जाएंगे। और चाची अच्छा अपने घर जाएंगे, वो लोग बिलासपुर जाएंगे और हम लोग कोटा के लिए निकल जाएंगे। तो यहीं से हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे।
तो अब हम मंदिर से निकल चुके हैं और आगे आपको ना दिखाएंगे, सामने में ही राम टेकरी मंदिर है, राम जी का मंदिर, और वो पहाड़ ऊपर है, तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। मतलब वहाँ मंदिर अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही दिखाएंगे, बाहर से ही दिखता है मंदिर। तो वो देखो सामने आपको सफ़ेद सफ़ेद पहाड़ ऊपर दिख रहा है, वो है राम टेकरी मंदिर। तो चलो आगे म्यूज़िक लगा देती हूँ और आपको दिखाते हैं राम टेकरी मंदिर। आप लोगों ने देखा राम टेकरी मंदिर, और फिर कभी जाने का मौका मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे वहाँ पे। और यहाँ पर भी ये देखो हनुमान जी का मंदिर है, तो यहाँ भी हनुमान जयंती का तैयारी। सो गाइस अभी हम लोग घर पहुँच चुके हैं और अभी सुबह का 8:30 बज चुका है और अभी जस्ट आए हैं और आकर मैं चाय वगैरह भी बना ली हूँ। तो अभी आ चुकी हूँ अपने किचन में और देखो यहाँ पे मैंने चाय भी बना लिया है हम लोगों ने, और चलो चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। बाय। सो गाइस आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना।